क्या बात है, कहर बनकर टूटेगी ये दुश्मनों पर। ये तुम जैसे बहादुर के हाथ में मजलूमों का दिफा करेगी। सदा फतह मंत्र हो इंशाल्लाह। जुल्फिकार से बेहतर कोई देख नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है कोई सुनी। उनकी बहादुरी का यकीनन कोई मुकाबला नहीं। मुझे बहुत फख्र है ये खुशखबरी सुनाते हुए कि हमारे कबीले को रहने के लिए एक जमीन मिल गई है। महफूज है, उतनी महफूज जितना हम सोच सकते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा आगाज है हमारे कबीले के लिए, लेकिन खुशहाली का ये सफर थोड़ा कठिन भी हो सकता है। जमीन के जरखेज होने के साथ साथ मुशरिकीन का एक ग्रोह भी बहुत करीब। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता तुम्हें भी कभी हो जाए। हम समझते हैं कि हमें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन एक हसीन चेहरा सामने आता है और बेबस कर देता है। आखिर वही हुआ अर्तुरुल भाई, शायर कहता है ना, मैं आतिश इश्क में जल के राख हो गया हूं। क्या था और क्या हो गया हूं, इस इश्क में खाक हो गया हूं। चलता हूं भाई। आदत के जज्बे से सरशार एक सिपाही की सच्ची दास्तान।